गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द एडिटोरियल पेज से और द आइडियाज़ पेज से दो इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनालाइज करेंगे। जो पहले जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये एडिटोरियल सेक्शन से, और इसका शीर्षक है अप्रैल्स क्रूएल डिलेमा। ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो देशभर में जो लॉकडाउन हो रही है, तो वो कितनी कारगर होगी या उसकी क्या नुकसान है, उसी पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और दूसरा जो आर्टिकल एनालाइज करेंगे ये आइडियाज़ पेज से, इसका शीर्षक है आफ्टर द फायर फाइटिंग, मतलब जो कोरोना वायरस की क्राइसिस के उभरने के बाद हमारे जो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग सिस्टम को हमें रिफॉर्म करना होगा या सरकार को रिफॉर्म करना होगा, जिससे कि हमारा जो आर्थिक दुर्दशा होगी या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कृषकों की जो मार्केट जो अपना फसल की बेचने हेतु जो प्रॉब्लम होगी, उसको कैसे रिफॉर्म करके सरकार जो इस प्रॉब्लम से उभर सकती है, उसी पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। तो ये दोनों आर्टिकल हम लोग एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले जो आर्टिकल हम लोग एनालाइज करेंगे ये है अप्रैल्स क्रूएल डिलेमा। ये आर्टिकल लिखी है अरुणा सुंदरराजन जी ने, जो कि एक सिविल सर्वेंट है। तो उन्होंने ये प्रश्न किया है कि जो लॉकडाउन है ये मतलब अप्रैल की सबसे मतलब निर्दयी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनका कहना है कि जो लॉकडाउन की जो नीति है ये एक मतलब कड़ी या एक निर्दय नीति होती है, जिसकी जो एफिशिएंसी या जिसकी जो कार्य क्षमता कार्य दक्षता उतना मतलब प्रूवन नहीं है, उतना प्रमाणित नहीं है। तो उसी पे वो कुछ डिस्कशन करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में अरुणा सुंदरराजन जी ये कहते हैं कि जो अप्रैल 14 को जो हमारा लॉकडाउन पीरियड प्रथम फर्स्ट स्टेज का जो लॉकडाउन पीरियड ख़त्म होगा, उसके बाद भारत सरकार के पास एक बहुत ही बड़ा एक पब्लिक पॉलिसी को लेके एक डिलेमा या एक समस्या आएगी कि उसको लॉकडाउन एक्सटेंड करना है कि नहीं, और इससे जो लोगों की जो सैकड़ों मतलब हज़ारों लोगों की जो लाखों या करोड़ों लोगों की जो जीवनी या जो भाग्य कि जो पर असर होगा, जो उनकी दैनंदिन जीवन पे जो असर होगा वो निर्भर करेगा ये लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होती है या लॉकडाउन की पॉलिसी सरकार कितनी दूर तक आगे ले जाती है। तो उससे लोगों की जो जीवन यापन है या जो लोगों की जो भाग्य है उस पर कितना एक बहुत ही बड़ा एक असर होगा, ये कहना है सुंदरराजन जी का। और सुंदरराजन जी ये कहते हैं कि लॉकडाउन तो ये तो प्राय निश्चित ही है कि लॉकडाउन और 2 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करेगी सरकार, और इस समय वो टीएस इलियट जो एक बहुत ही बड़े अंग्रेजी कवि थे और राइटर थे, उनकी एक कथन थी कि अप्रैल सबसे ज़्यादा मतलब कठोर महीना होता है साल का। तो ये जो हमारा जो लॉकडाउन होगी या एक्सटेंड होगी वो जो कितना कठोर होगी गरीब तबके के लोगों का या जो साधारण जो जनता है देश की उनके जीवन यापन पे, यही कहना यही दर्शाते हैं राइटर। तो वही ये सवाल करते हैं कि भारत क्या ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड करेगी उसको भारत अफोर्ड कर सकती है कि नहीं, उसकी जो लॉस होगी उससे भारत वो कितना हद तक उसको बहन कर सकती है। तो ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड होगी उसकी ट्रेड ऑफ क्या है, उसकी लाभ नुकसान क्या है, ये सवाल करते हैं अरुणा सुंदरराजन जी। ठीक, राइटर ये भी कहते हैं कि जो प्रथम जो ये बीमारी की जो गतिविधि थी या जो फर्स्ट जो ये बीमारी फैलाव थी, प्रथम फैलाव थी, उस समय जो विश्व भर के जो एक्सपर्ट्स थे या जो सरकारें थे विश्वभर के सभी देशों की, वो सोच रहे थे कि इस बीमारी का मतलब गतिविधि क्या होगा या इफ़ेक्ट क्या होगा, उस बारे में वो लोग अंदेशा कर रहे थे कि और उस बीमारी के हेतु क्या अप्रोप्रिएट पॉलिसी लेना चाहिए। तो बहुत सारे देशों ने, उस समय भारत भी इसमें शामिल था, उन्होंने जो प्रथम जो स्टेप लिया वो था आपका कंटेनमेंट, मतलब प्रथम जो एक बैरियर, एक जो बीमारी की प्रतिरोधक के हिसाब से प्रथम जो स्टेप लिया था वो था आपका लॉकडाउन, और लॉकडाउन ऑफ द पॉपुलेशन मतलब लॉकडाउन का पॉलिसी लिया था विश्व के सभी देशों ने। जबकि वो लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि बीमारी का गतिविधि क्या है या बीमारी का नेचर क्या है, उससे पहले कि वो लोग जाने, तो उन्होंने तो प्रथम जो स्टेप सोचा कि कारगर होगा वो होगा लॉकडाउन, और उसमें भारत भी शामिल था। लेकिन अभी यहाँ पे जो लॉकडाउन के समय दो प्रश्न आया था विश्व की सरकारों का कि एक तो हमें लोगों की जान बचानी है या लोगों की जीविका बचानी है। तो सभी देशों ने ये सोचा कि ये मुनासिब सोचा कि लोगों की जान बचाना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, बल्कि ना कि लोगों की
जीविका बचाना। तो विश्व की हर सरकार सिवाय स्वीडन को छोड़ के मतलब ये जान बचाने की मुहिम को अपनाया और लॉकडाउन की मतलब नीति अपनाई। तो ये जो विश्व की जो मैक्सिमम जो कंट्री जो अफेक्टेड थे कोरोना वायरस से और उन्होंने जो लॉकडाउन की जो नीति अपनाई उसको उसकी उससे भारत ने भी एक उदाहरण लिया और भारत ने भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 21 दिन का लॉकडाउन भारत में घोषित किया है। ये लेकिन राइटर ये कहते हैं कि जो मतलब लॉकडाउन के दिन जितना पास हो रहे हैं ये जो लॉकडाउन की जो लाभ नुकसान और भी मतलब प्रकट हो रहा है। देखिए अभी ये भी उनका ये कहना है जो लॉकडाउन अगर इंक्रीज होती है तो ये मतलब लाइफ थ्रेटनिंग उसकी मतलब भयानक उसकी परिणाम हो सकती है जिससे लोगों की जान माल की समस्या या संकट आ सकती है। और ये भी कहना है राइटर का अगर मैसिव रिलीफ सरकार ने अगर सभी लोगों को के लिए एक बहुत ही बड़े तौर पे या सभी लोगों की ओर से अगर रिलीफ पैकेज अनाउंस नहीं किया तो गवर्नमेंट को मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी लोगों की जानों माल या लोगों की जीविका बचाने के लिए। तो ये इस बारे में सरकार को सोचना है क्योंकि जो एपिडेमिक है वो जो पहले जो भारत में जो आई थी अभी उसकी जो गतिविधि है या उसकी जो नेचर है वो मतलब पहले के बजाय अभी उसका नेचर चेंज हो गई है। तो उसको मद्देनज़र रख के और जो लोगों की जो जानों माल की जो नुकसान होगी जिनकी जीवनी जो जीविका थी उनकी जो रहने की जो प्राण रहने की जो जीवन संकट की जो समस्या होगी उसको ध्यान पे रख के सरकार को आगे लॉकडाउन के बारे में सोचना चाहिए या लॉकडाउन की जो भी पॉलिसीज लाए इस महामारी के हेतु उसको ये सब फैक्टर्स को ध्यान पे रख के सरकार को आगे पॉलिसी लेना चाहिए, ये कहते हैं राइटर। और राइटर अरुणा सुंदराजन जी ये कहते हैं कि सिवाय पूरे देश में मतलब बिल्कुल पूरा लॉकडाउन करने के बजाय सरकार और भी मतलब कारगर पॉलिसी इस्तेमाल कर सकती है जिससे कि जो लॉकडाउन से के वजह से जो नुकसान होती है या जो नुकसान होगी उसको मिनिमाइज़ कर सके सरकार। जैसे कि तीन तरीका का पॉलिसी या लॉकडाउन पॉलिसी सरकार अपना सकती है। जैसे कि पहले ज्योग्राफिक जैसे कि मतलब क्षेत्रीय जो लॉकडाउन है जैसे कि जो ये बीमारी कौन सी एरिया में कौन सी इलाका में ज़्यादा इंटेंस है मतलब ज़्यादा फैल रही है उस हिसाब से उस जगह में ज़्यादा लॉकडाउन की पॉलिसी लागू करना चाहिए ना कि जिस जगह में कम फैलाव है। जैसे कि अगर देख लीजिए अगर दिल्ली में अगर ये बीमारी ज़्यादा फैलती है तो वहाँ लॉकडाउन की नीति ज़्यादा लगाना चाहिए। और अगर जैसे कि गोवा में या तमिलनाडु में कहीं अगर जो ये बीमारी कम फैल रही है तो वहाँ लॉकडाउन की नीति कम लगाने चाहिए या कम कड़ा करना चाहिए कड़े नीति लगाने चाहिए। तो ये कहना है ये पहला पॉलिसी सरकार अपना सकती है। और दूसरा है ये पहला हो गया ज्योग्राफिक डिपेंड ओरिएंटेड, दूसरा होगा वल्नरेबिलिटी ओरिएंटेड। मतलब ये बीमारी हम लोगों को मालूम है कि 10 साल से नीचे बच्चों की और 60 साल से ऊपर जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है क्या यानी उन लोग वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल है मतलब ज़्यादा रिस्क पे है इस बीमारी से आक्रांत होने हेतु। तो उन लोगों को ज़्यादा ये कंटेनमेंट या आइसोलेशन स्ट्रेटजीज लगाना चाहिए उन तबके की लोगों को जो कि बुज़ुर्ग हैं या जो कि 10 साल से कम उम्र के लोग हैं इसके बजाय कि सभी पे लगा दें। अभी जो कि हेल्दी लोग हैं जो कि यंग हैं या अडल्ट हैं उन पे इतना ये लॉकडाउन नीति उनके लिए थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, ये कहना राइटर। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रेटजी। और दूसरा है सेक्टरल जो कि मतलब क्षेत्रीय मतलब जो जो जैसे कि अभी देखिए एक्टिविटी जैसे कि जहाँ पे कृषक हैं या यहाँ पे जो टी गार्डन्स हो गया या जहाँ पे लोगों की आपका उतना वल्नरेबल है नहीं है और वहाँ पे ये भी महामारी उतना फैली नहीं है लेकिन उनकी जो एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इकोनॉमी को रन करने के लिए जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी या जो फिशिंग है या टी गार्डन्स है तो वहाँ पे भी ये आपकी जो लॉकडाउन पॉलिसीज़ हैं उसको लिबरल करना चाहिए या उसको ढील देना चाहिए या बहुत ही मतलब उतना कड़े लॉकडाउन की नीति नहीं लगाना चाहिए। तो ये नीति अगर लगाएगी जैसे पहले ज्योग्राफिकल दूसरा वल्नरेबिलिटी ओरिएंटेड दूसरा सेक्टरल तो क्या होगा ये लॉकडाउन की नीति भी कारगर होगा और उससे जो इकोनॉमिक फॉलआउट है या इकोनॉमिक आर्थिक जो नुकसान होगी उसको भी सरकार बहुत
हद तक मिनिमाइज कर सकती है, ये कहना है अरुणा सुंदराजन जी का। और अरुणा सुंदराजन जी ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जो विश्व की जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या जो महामारी की बीमारी हेतु जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं जो पहले जो अंदेशा किया गया था, ये जो बीमारी इस तरह फैलेगी या बीमारी से लोग करोड़ों लोग मर जाएंगे एक दिन में, तो वो उस एजम्पशन को अभी मतलब सरकार को पुनर्विचार करना होगा। और जो एक रेडिकल जो एक मतलब कड़ा सिद्धांत या जो जो लॉकडाउन जैसे स्ट्रेटेजी जो उसकी कितनी वो कितना कारगर है या उसकी जो एफिशिएंसी है वो कितना एफिशिएंसी है उसको कारगर होता है इस तरह का महामारी रोकने में, उसको भी सरकार को अभी पुनर्विचार करना होगा। और राइटर ये भी कहते हैं कि हमें सिर्फ दूसरे देशों ने क्या नीति अपनाई है उसको फॉलो करने से नहीं होगा, हमें ये भी विचार करना होगा कि ये लॉकडाउन की जो पॉलिसी से जो इस महामारी को रोकने की जो पॉलिसी है उससे जो आर्थिक नुकसान क्या होगे उसको भी सोचना होगा। ये जो हालांकि जो वर्तमान की जो लॉकडाउन है, राइटर का कहना है कि वो सबसे कड़ा और सबसे मतलब या कड़ा या सबसे मतलब लोगों की जीवन यापन पे इफेक्टिव हुआ था ये भारत की लॉकडाउन, और जिससे करीब मतलब दुनिया की जो 1/7 जो आबादी है उनकी जीवन यापन पे इसने इम्पैक्ट किया, इसने अफेक्ट किया। तो अभी भारत सरकार जो भी डिसीजन लेगी या लेना है भारत सरकार को आगे में, तो उसको लॉकडाउन के हेतु तो उसको उस पॉलिसी में जो गरीब तबके के लोग हैं या सबसे जो कमज़ोर या पिछड़ा हुआ तबका लोग हैं उनकी क्या हानि होगी या का उनको उनकी जीवन यापन में क्या इफेक्ट होगी इस लॉकडाउन की जो एक्सटेंशन का डिसीजन, उसको ध्यान पे रख के लोगों को आगे पॉलिसी लेना है, ये कहना है राइटर का। और राइटर अरुणा सुंदराजन जी ये भी कहते हैं यद्यपि COVID-19 की जो पैंडेमिक है, महामारी है, ये बहुत इन्फेक्शस है, मतलब एक आदमी से दूसरे व्यक्ति पे बहुत ही तेज़ रूप से फैलती है, लेकिन ये भी हम लोगों को जानना होगा कि जो जितने भी वायरल एपिडेमिक है वो तभी बंद होते हैं या उनकी फैलाव महामारी तभी रुकती है जब 60-80% लोग मतलब हार्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। अभी हार्ड इम्यूनिटी क्या है दोस्तों, अगर एक जनसंख्या एक पॉपुलेशन में एक देश में अगर ज़्यादातर लोग इस वायरस से कोई भी वायरस से आक्रांत होते हैं तो उनके बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होता है और वो मतलब इम्यून हो जाते हैं, तो वो जो लोग इम्यून हो जाते हैं तब वो लोग मतलब ये बीमारी को दूसरे लोगों तो फैलाने में प्रिवेंट करते हैं, मतलब वो एक बैरियर बन जाते हैं, एक रुकावट बन जाते हैं इस वायरस की फैलाव हेतु, मतलब उन वायरस और जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उन तक फैलाव के हेतु वो लोग मतलब एक रुकावट बन जाते हैं, और उसको बोला जाता है हार्ड इम्यूनिटी। वो और ये कहते हैं ये अगर हार्ड इम्यूनिटी तब तक नहीं होगा जब तक ज़्यादातर लोग इस वायरस के सम्मुखीन ना हो और उन पे इम्यूनिटी डेवलप ना हो, तो ये लॉकडाउन की पॉलिसी उतना कारगर नहीं होगा जितना कि हार्ड इम्यूनिटी से होगा या अगर हम लोग वैक्सीनेशन डेवलप करते हैं उससे होगा। तो फिलहाल तो अभी हार्ड इम्यूनिटी भी नहीं है और वैक्सीनेशन भी तो कोरोना वायरस की नहीं है, तो ये लॉकडाउन की पॉलिसी कितना इफेक्टिव है या होगा ये प्रश्न किया है अरुणा सुंदराजन जी ने। और राइटर ये भी कहते हैं लॉकडाउन तो कारगर है कि ये वायरस की जो कर्व है, मतलब जो वायरस जो पीक लेवल में आती है फिर डाउन होती है, तो उसको जो पीक है उसको मतलब फ्लैटन कर देता है, मतलब वायरस एक मतलब एक इवन गति से जाता है, तो उसको रोकथाम के लिए लॉकडाउन तो इफेक्टिव है, लेकिन वो कितना कारगर होगा ये उसी पर डिपेंड होता है कि सरकार ये जो लॉकडाउन के समय मतलब उस टाइम को कितना मतलब इफेक्टिवली यूज़ करता है, जैसे कि लोगों को हेल्थ प्रोफेशनल को अगर ट्रेन करती है या जो एसेंशियल जो सप्लाईज है या डिवाइस है जैसे कि हमारे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE या जो टेस्टिंग किट है या जो हेल्थ केयर फैसिलिटी को अगर उन्नत करती है तभी ये कारगर होगा। अगर सिर्फ लॉकडाउन ही रखी और हेल्थ सेक्टर में जो रिक्विसाइट जो नेसेसरी जो इक्विपमेंट है या जो ट्रीटमेंट फैसिलिटी है और उसको अगर या मेडिसिन वगैरह को सरकार अगर उपलब्ध ना कराए या उनकी उन्नति ना कराए तो या टेस्टिंग वगैरह का, तो ये लॉकडाउन उतना कारगर नहीं होगा, ये कहना है राइटर का। और राइटर ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन तभी इफेक्टिव होता है जब उसकी टाइमिंग सही हो, मतलब
जो हम भारत जिस भारत ने जो लॉकडाउन पहले ही लगा दी हैं उससे तो जो बीमारी की जो पीक होती है या जो उतार होती है उस पे रोकथाम होगी, लेकिन उससे जो फैलाव है उसकी रोकथाम नहीं होती है लॉकडाउन से। जो मतलब कितने लोग इफेक्ट होंगे या कितने लोगों को इफेक्ट करेगी वो तो नहीं कमेगी लॉकडाउन से। और बहुत सारे लोगों देशों ने जो लॉकडाउन लगाई थी वो जो बीमारी के जो पीक था, सबसे जो पीक टाइम था, तभी लगाई थी क्योंकि उस समय उनकी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो कारगर नहीं था इस बीमारी को रोकने के लिए, तभी उन्होंने ये लॉकडाउन लगाई थी। लेकिन भारत ने तो बीमार की जो पीक है उससे पहले ही प्रथम ही लगा दी है लॉकडाउन, तो वो कितना कारगर होगा ये सवाल करते हैं राइटर। और राइटर ये भी कहते हैं कि जो बीमारी की जो गतिविधि देख के ये अंदेशा किया जा सकता है जो कि ट्रॉपिकल जो कंट्रीज है, जैसे भारत भी जो ट्रॉपिकल कंट्री है, तो उन देशों में ये बीमारी कम फैली है ये मतलब पश्चिमी देशों की बजाय। तो जो पश्चिमी देशों में जो बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन वो जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ है जिन उन 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 हिस्से में जो जो कि ट्रॉपिक्स के जो ट्रॉपिको कैंसर या कैप्रिकॉन के बीच में जो हिस्सा है दुनिया का, उस हिस्से में ये बीमारी कम फैली है ये कहना राइटर का। क्योंकि ये दो कारण से हो सकता है, ये तो आइदर मतलब जो लोगों जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट की जो लोग हैं उनकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसके लिए हो सकता है, और ये भी हो सकता है जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके लिए भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप उन्होंने दिया है कि जो जैसे देश जैसे पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, जापान जैसे देशों में ये बीमारी कम फैली है पश्चिमी देशों से के मुकाबले। तो उस हिसाब से ये भी देखा जा सकता है कि भारत में ये बीमारी पश्चिम अमेरिका या यूरोपीय देशों जैसे नहीं फैलेगी या इतना महामारी के रूप धारण नहीं करेगी। और दो अफ्रीका में भी तो ये बीमारी मतलब महामारी के रूप में अभी तक नहीं हुआ है। तो इससे भी हमारे देश भारत जैसे देश का एक अच्छा अंदेशा है, या बीमारी की जो गतिविधि है उसका एक अच्छा अंदेशा है ये कहना है राइटर का। और राइटर ये भी कहते हैं जो लॉकडाउन की जो यूनिवर्सल लॉकडाउन की जो सफलता वो उसको अभी कोई मतलब सटीक रूप से कोई बोल नहीं सकता, और उसके लिए कोई तथ्य भी नहीं है हमारे पास कि ये कहेगा कि जो यूनिवर्सल लॉकडाउन है वो एकदम पूरी तरह से कारगर है कोई भी महामारी को की फैलाव को रोकने के लिए। तो और राइटर अरुणा सुंदरराजन जी ये भी कहते हैं पहले तो सभी देशों का वुहान मॉडल, जो चाइना के जो वुहान में जो कंटेनमेंट मॉडल सब 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 चीज़ जो वुहान में लॉकडाउन कर दिया गया था, तो उसी की मॉडल सभी देश फॉलो कर रही थी। अभी विश्व के देशों के पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि इंडिया की जो टोटल लॉकडाउन है, फिर जो आपका स्वीडन का जो लॉकडाउन पॉलिसी थी उसका भी मॉडल फॉलो कर सकती है। अभी जो स्वीडन की जो लॉकडाउन पॉलिसी थी वो मतलब वॉलंटरी और मतलब स्वेच्छा रूपी थी, और सोशल डिस्टेंसिंग थी मतलब स्वेच्छा मतलब लोग अपने इच्छापूर्वक मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की मुहिम कर रहे थे, और सरकार की उसमें नॉन इंटरवेंशन रोल था, मतलब सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा लोग, बल्कि लोग खुद अपने आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है लॉकडाउन का। और जो दूसरी ओर हमारे पास कोरिया है जिसने मतलब एक एग्रेसिव मतलब एक आक्रामक मतलब एक कड़ा और वाइड स्प्रेड मतलब क्या किया मतलब डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मॉडल किया और आइसोलेशन मॉडल लिया, मतलब टेस्टिंग और आइसोलेशन किया और उसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग किया, जिससे वो काफ़ी कारगर रहा। मतलब उसका जो मॉडल था वो था टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान देगी और दूसरा है आइसोलेशन पे करेगी और सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये तीन मॉडल कोरिया ने फॉलो किया। तो और दूसरे देशों ने तो कई देशों ने लिमिटेड ज्योग्राफिकल और मतलब डेमोग्राफिक कंटेनमेंट, मतलब कुछ हिस्से में जहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है या कुछ तबके के लोग जहाँ पे ये बीमारी जहाँ फैल रही है वहीं पे ये लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी लगाई, ना कि पूरे देश में। तो ये सारे मॉडल है, जैसे स्वीडन की मॉडल है या कोरिया की मॉडल है या दूसरे देशों की जो ज्योग्राफिक या डेमोग्राफिक जो कंटेनमेंट मॉडल है या आइसोलेशन मॉडल है उसको भी भारत मद्देनज़र रख सकती है आगे लॉकडाउन की पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने हेतु। और राइटर ये भी कहते हैं कि विश्व के मतलब बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो
पहले के लिए जो रोग की जो गतिविधि या कितने लोगों को इफेक्ट किया है, या इसकी जो गतिरोध की जो नंबर्स इंडिकेट किया था या स्टेटिस्टिक जो आंकड़ा दिखाया था वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई था, मतलब उतना मतलब वो मतलब अस्वाभाविक एक आंकड़ा दिखाया गया था कि इतने हज़ार लोग, इतने लाख लोग इफेक्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे। तो वो मतलब एक ही कोई मतलब उसका कोई सटीक तथ्य नहीं है, या वो इतना सटीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें दूसरा मतलब जो सोशल कंजर्वेटिव आइसोलेशन या टेस्टिंग उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जो यूनिवर्सल लॉकडाउन की नीति अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे भी अच्छा कारगर नीति है जैसे कि टेस्टिंग और आइसोलेशन जो लोग मतलब इस बीमारी से अफेक्टेड हैं। और तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जब तक मतलब पॉपुलेशन में हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगा, मतलब ज़्यादातर लोग अगर इस बीमारी से शिकार बीमारी को फेस नहीं करेंगे और उन पे इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगा, तब तक ये बीमारी की फैलाव रोकना मुश्किल है। और ये भी कहना है कि सरकार जो भी पॉलिसी मेकर्स है या जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मतलब सटीक तथ्य इस बीमारी को आगे रख के ही जो आगे का जो पॉलिसी होगा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है या ना करना है, उसको ये सटीक तथ्य को आगे रख के ही डिसीजन लेना है, लेने से अच्छा होगा, ये कहना है राइटर का। और राइटर अरुणा सुंदराजन जी ये भी कहते हैं कि ये 21 दिन का जो लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गारी है वो बहुत ही मतलब भयानक रूप से बढ़ गई है, और जो फार्म जो फार्मर्स की गांव की गांव में जो फार्मर की जो परेशानी है वो और भी बढ़ गई है, और जो भुखमरी शुरू हो गई है, और जो मतलब खेतों में फसल होने के बावजूद भुखमरी स्टार्ट हो गई है, और जो खाद्य और जो मेडिकल सप्लाईज़ है वो भी मतलब उसकी जो सप्लाई चेन है वो भी मतलब ब्रेक हो गई है, वो भी मतलब ढीला पड़ गया है, और मतलब उसमें गतिरोध आ गया है। और जो अस्पताल वगैरह है वो कुछ कुछ छोटे छोटे शहरों में या शहरों में क्या हो गया, अस्पताल भी बंद हो गए हैं जिनकी ज़रूरत अभी हालांकि सबसे ज़्यादा थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनको बंद करना पड़ा। और राइटर ये कहते हैं कि हालांकि ये सब फैसिलिटी मतलब ये जो फैसिलिटीज़ बंद हो गए हैं या जो प्रॉब्लम आ रही है ये सिर्फ लॉकडाउन की 21 दिन में ही हो गई हैं। और अरुणा सुंदराजन जी ये कहते हैं कि आगे जो सरकार लेगी लॉकडाउन की पॉलिसी है तो उसको उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या उसकी लाभ नुकसान आर्थिक लाभ नुकसान को ध्यान पे रख के ही करना होगा, नहीं तो हम एक मतलब चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जिससे उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये तभी संभव है जब सरकार मतलब पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक कंसल्टेशन में ही अपनी आगे का डिसीजन लेगी, और यही एक मतलब कलेक्टिव नॉलेज या डिस्कशन से ही ये जो हमारे जो काला अध्याय है भारत की अर्थनीति में या जो भारत की स्वास्थ्य सेक्टर में, उससे एक साझेदारी में या पब्लिक ओपिनियन या पब्लिक डिस्कशन से ही हमारी सरकार या हमारा देश उभर सकता है, ये कहना है अरुणा सुंदराजन जी का। तो ये था आर्टिकल एप्रिल्स क्रुएल डायलेमा का एनालिसिस। तो आइए एनालाइज करते हैं अभी हमारा सेकेंड आर्टिकल आइडियाज पेज से। देखो दोस्तों, नेक्स्ट जो आर्टिकल हम लोग रिलाइज करेंगे ये है द आइडियाज पेज से, आफ्टर द फायर फाइटिंग। और ये आर्टिकल लिखा है श्री अशोक गुलाटी जी ने। ये जो कोरोना वायरस की महामारी के बाद जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर डिस्ट्रेस हुई है या फार्मर लोगों की जो क्षति हुई है उससे हमारी सरकार कैसे उभर सकती है, उसी पे ये आर्टिकल है। तो आइए रिलाइज करते हैं उन्होंने क्या लिखा है। ठीक दोस्तों, पहले दो तीन पैराग्राफ में तो गुलाटी जी ये कहते हैं कि ये वायरस की ये जो महामारी है विश्व में कितनी फैली है या विश्व की कितने देशों में इफ़ेक्ट हुई है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। और जो ये जो बंगाल फेमिन हुई थी 1943 में उससे ये तुलना करते हैं। और ये भी कहते हैं कि इसकी वजह से जो फार्मर भुखमरी आगे हुई थी महामारी के समय, इस बार भी जो सिचुएशन है ये जो भुखमरी की तरफ ना जाए या जो फार्मर डिस्ट्रेस से उस वो और भी ना बढ़े, उसके लिए वो कुछ सुझाव देते हैं। तो देखते हैं वो क्या सुझाव देते हैं जिससे कि जो फार्मर डिस्ट्रेस है वो मतलब कमे या फार्मर डिस्ट्रेस से सरकार उभर सके। पहला जो सुझाव अशोक गुलाटी जी देते हैं जिससे कि जो फार्म डिस्ट्रेस या जो एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना नुकसान ना हो और लोगों की और फार्मर्स की मतलब लाभ हो या उनकी जो नुकसान ज़्यादा ना बढ़े, तो वो जो पहला सुझाव है ये है कि एबोलिश और रिफ्रेम जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी की जो एक्ट के तहत जो रूल्स थी उसको हमें पुनर्विचार करना होगा।
और डायरेक्ट बाइंग मतलब डायरेक्टली मतलब सामान की खरीदरी मतलब एग्री प्रोड्यूस फार्मर से डायरेक्ट बाय करने का सुविधा करना होगा, या जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जो कंपनीज है या जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंज्यूमर से उनको डायरेक्ट वहाँ से फार्मर से या फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब डायरेक्टली बाय करने का रूल लागू करना होगा, जिससे कि मतलब लोग डायरेक्टली मतलब सामान क्रय कर किस मतलब किसी सामग्री क्रय कर सकते हैं, और जिससे फार्मर की भी फसल की नुकसान ना हो और लोगों की भी लाभ हो। और जो भी कंपनियां या जो प्रोसेसर्स हैं, फूड प्रोसेसर्स हैं, या जो रिटेलर्स हैं, या जो एक्सपोर्टर्स या साधारण जो कंज्यूमर जनता जो मतलब डायरेक्टली जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से या FPO से किसी सामग्री क्रय करेगी, तो उनको कोई मार्केट फी देना मतलब उनको मार्केट फी से मतलब वो करना चाहिए, सरकार को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस APMC के जो मार्केट है उससे तो क्रय नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो फीस है मार्केटिंग फी उसको सरकार को हटा देना चाहिए, जिससे कि लोगों को या जो कंज्यूमर को भी सामान कम पैसा में मिले और कृषकों की उतना नुकसान ना हो, क्योंकि APMC की जो मार्केट जो मंडी है वो तो लोगों को उसका तो लाभ नहीं मिल रहा है। और दूसरा जो सुझाव देते हैं कि जो वेयर हाउस है, जो गोडाउन से फसल की जो फूड स्टॉक्स है वो उसको भी मतलब मार्केट के रूप में सरकार ले सकती है या घोषणा कर सकती है, और उसमें क्या हो सकता है भीड़ जैसे भीड़ ना हो उसके लिए मतलब रिसिप्ट सिस्टम या टोकन सिस्टम दे सकती है, जिससे कि लोग मतलब वहाँ जाके डायरेक्टली मार्केट से ही मतलब जो वेयर हाउस या गोडाउन से वहाँ से सामान क्रय कर खरीद सकते हैं, और इससे सरकार का भी जो गोडाउन से उसमें भी खाना स्टॉक नहीं होगा और लोगों को भी सुलभ रेट में खाना या जो खाद्य सामग्री है वो मिलेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी मतलब अपना अपना मंडी खोलने का लाइसेंस या परमिशन देना चाहिए, और उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ भी लाना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर जो मंडी खोलेगी उसमें जो वो लोग एक्स्ट्रा कोई कमीशन ना लगाए उस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। और जो फ्यूचर ट्रेडिंग उसको भी सरकार को मतलब अगर उसकी जो फसल की जो दाम है उसकी अगर रिस्क अगर बैंकिंग फाइनेंस ले तो इस जो सामान है उसका फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो सकता है, तो उसके लिए जो बैंकिंग फाइनेंस सिस्टम है उनको आगे आना होगा, और जो मार्केट जो प्राइस है उसकी रिस्क उठाने में या इंश्योर करने में आगे आगे आना होगा, जिससे कि मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो मतलब सामान मतलब एडवांस में भी सेल हो, और कृषक की जो संकोच या जो ये था जो भय था कि अगर वो सामान अगर स्टॉक कर देती है तो मार्केट में दाम कम जाएगी, तो उसको भी इंश्योरेंस देना होगा सरकार को थ्रू बैंकिंग फाइनेंस। और चौथा जो सुझाव देते हैं अशोक गुलाटी जी, ये कि जो ENAM है नेशनल जो ऑनलाइन जो मार्केटिंग है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो के तहत जो ऑनलाइन मार्केटिंग या जो कृषि जो फसल की जो बिक्री क्रय बिक्री उसको ऑनलाइन करना चाहिए, और उसकी जो गुणवत्ता की मापदंड की परीक्षा होनी चाहिए और ग्रेडिंग करना चाहिए फसल की, जिससे कि कंज्यूमर का भी लॉस ना हो, और अगर कोई डिस्प्यूट होती है कोई अगर ऑनलाइन जो सेल होगी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की उसकी तहत कोई अगर डिस्प्यूट होती है उसकी डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी एक मैकेनिज्म लाए, जिससे कि लोगों पे जो ऑनलाइन मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग है वो उस पर भरोसा आए और भी लोगों में प्रचार हो। और जो लॉजिस्टिक है जो मेजर जो सामान की जो डिलीवरी की जो कंपनियाज हैं उनको लाना चाहिए, जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो लोगों तक पहुँचे और अच्छी तरीके से पहुँचे, जैसे कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट वगैरह कंपनीज कर रहे हैं, उसी तरह सरकार को भी लॉजिस्टिक्स कंपनियां हैं उनको लाना होगा, जिससे कि सामान की एफिशिएंट डिलीवरी हो लोगों तक, और जो सामान की जो प्रोक्यूमेंट होगा फार्मर जो फसल की जो फसल की प्रोक्यूरमेंट करेगी और मार्केट तक लाएगी उसके लिए फार्मर को कूपन या इंसेंटिव देना चाहिए, जिससे फार्मर को अगर मई 10 के बाद अगर कोई भी कृषक अगर अपना सामान अगर मतलब बाज़ार तक मार्केट तक लाती है तो उसको एडिशनल बोनस देना चाहिए, जिससे कि वो और भी उत्साहित हो अपना प्रोडक्ट्स खुद ला के मार्केट में बेचे। और छठा जो सुझाव है ये जो
पीएम किसान के तहत जो सालाना जो 6,000 रुपया जो किश्ती देती थी सरकार, 2,000 का, उसको बढ़ा के 10,000 करना है। मतलब सालाना 10,000 देना है सरकार को हर कृषक फैमिली को, जिससे कि ये जो आर्थिक मंदी जो लॉकडाउन की वजह से जो उनकी लॉस हुई है उसकी कंपनसेशन हो, उसकी भरपाई हो। और अशोक गुलाटी जी ये भी कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस की थी उससे एक सीख लेनी चाहिए, और जो देश भर में एक मतलब रिलीफ पैकेज अनाउंस करना चाहिए जो कि 8-10% हमारा जीडीपी का जीडीपी हो, मतलब 8-10% जीडीपी का अमाउंट का समान हमारा देश में एक रिलीफ पैकेज घोषणा करना चाहिए, जिससे कि जो आर्थिक दुर्दशा होगी उससे हमारे देश के लोग उभर सकें। और जब ये क्राइसिस या बीमारी का जो बीमारी से देश या दुनिया भर के लोग उभर जाएंगे, तो जो हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रोल थी उस पे भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह लाना चाहिए, क्योंकि हु ने तो जनवरी 14 को कहा था कि उनकी उनके हिसाब से ये बीमारी मानव से मानव तक नहीं फैलती है, या उसकी कोई तथ्य नहीं है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। तो ये देखिए कितना गलत एक मतलब मैसेज दिया था दुनिया भर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसी ग्लोबल बॉडी ने, और जिसके वजह से ये कोरोना वायरस इतना फैल गई है। तो हु की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए दुनिया भर की देशों को, जिससे कि उसकी जो ये जो मतलब उसका जो दायित्व उसका जो ये जो मतलब गलत इन्फॉर्मेशन या सूचना दी थी उसने, उसका वो जिम्मेदारी ले। और इंडिया को ये प्रस्तावना करना चाहिए कि जो यूएन सिस्टम या उसमें हु में भी या यूएन में जो मतलब रिफॉर्म लाना चाहिए, और उसको और भी ट्रांसपेरेंट बनाना चाहिए, कॉम्पिटेंट और अकाउंटेबल बनाना चाहिए। मतलब उसको और भी उसका प्रेफरेंस पॉलिसीज में ट्रांसपेरेंसी लाना चाहिए, उसको और भी कारगर रूप से काम करना चाहिए, और लोगों के प्रति उसको दायित्वशील होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल आफ्टर द फायर फाइटिंग हाउ इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म द एग्री मार्केटिंग सिस्टम का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।